हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट जीके राजस्थान यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज के इस वीडियोस में मैं आपको मुख्य इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्लास को सिंसियरली और सीरियसली लीजिए। राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो वर्ड है इफेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेट? इफेट का क्या मतलब हो, कोई बच्चा बता दो भाई फटाफट, अगर किसी को आता है तो। इफेट का मतलब क्या होता है? What is the meaning of effect? Effect का मतलब क्या होता है? Effect का मतलब होता है फीबल होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। Effect का मतलब फीबल होता है, कमजोर होता है, कमजोर। Effect means होता है फीबल या कमजोर। देखते हैं कि आपका वर्ड है effect और इसका मतलब क्या होता है? फीबल। जैसे कोई व्यक्ति अगर फीबल है, effect है, कमजोर है, लोग इफेट का। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। आई एम वेटिंग योर आंसर बच्चों, कम ऑन। अरे अब बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग आंसर दीजिए, कम ऑन। बहुत अच्छा, अरे अब प्लीज, गुड। इफेट कमजोर, कमजोर इफेट। अरे अब सभी लोग आंसर दो बेटा, गुड, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। आई एम वेटिंग योर आंसर। कम ऑन, अगला देख सकते हैं। इफेट के बहुत सारे मीनिंग हैं, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी लोग आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, इफेट का मतलब वीक होता है, फीबल होता है, स्पेंट, वर्न आउट, अनडिकेंडेंट, एग्जॉस्टेड, सॉफ्ट। ये कम से कम आप लोग 4 वर्ड्स तो सेंड करो बच्चों, आप लोग 4 वर्ड्स, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी करिए। देख सकते हैं इफेट का मतलब असक्त, छिण, किरण, ये इसकी हिंदी मीनिंग है। आंसर दीजिए आप लोग। प्रज्ञा मान लो, निशा मीना, बहुत अच्छा बच्चों। कोशिश करते रहो आप, अगर कोशिश करते रहेंगे सब कुछ आता रहेगा आपको। कम ऑन एवरीवन, गुड जॉब, बहुत अच्छा, गुड गुड, बहुत अच्छा। प्रज्ञा मान लो, ललिता नागर, निशा मीना, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों, गुड जॉब। आप देख सकते हैं ये इफेट है। इफेट मतलब देख सकते हैं कमजोर हो जाना, झिलझिलाहट हो जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉपी? स्लॉपी वर्ड का मतलब क्या होता है? तो बच्चों आंसर दीजिए फटाफट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉपी? स्लॉपी का मतलब क्या होता है? स्लॉपी का मतलब होता है ड्रंक। ड्रंक माने क्या होता है? पिया हुआ। वैसे भी कभी कभी लोग जैसे साइकिल चलाते समय या भागते मतलब जल्दी जल्दी करने लगते हैं या एक टर्निंग टर्न कर जाते हैं, लोग कहते हैं अरे पिए हो क्या भाई, अरे जाने तो छोड़ो, वो पिया हो। नहीं पिया है तो भी लोग कह देते हैं, है ना? तो इसका मतलब से क्या बोलते हैं? लापरवाह बोलते हैं, केयरलेस बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, कहते नहीं जाने दीजिए पिया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? केयरलेस कहते हैं। देख सकते हैं ना, That shows lack of care throughout the effort. सावधानी, विचार, प्रयत्न की कमी। ठीक है, फटाफट आंसर सेंड करो बच्चों। सावधानी या विचार या प्रयत्न की कमी को कहते हैं। Come on everyone. अरे अब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। I am waiting your answer. जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। I am waiting your answer. ठीक है, लोग क्या लग रहे हैं? ड्रंकन कंडीशन वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बिंजर? हार्बिंजर का मीनिंग क्या होता है? कोई बच्चा बताए भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बिंजर? हार्बिंजर का मतलब क्या होता है? जल्दी बताएं क्या होगा आंसर।
हार्बिंजर का मतलब होता है मैसेंजर होता है, है ना, तो होता है। जैसे कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज द हार्बिंजर ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है, नेचर के अग्रदूत हैं, अग्रणी हैं। कम ऑन, बहुत अच्छा। कान्हा शर्मा, ललिता नागर, गुड जॉब, है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी बच्चों का प्रयास बहुत अच्छा है, सारे बच्चे धीरे धीरे क्लासेस इंटरेस्ट के साथ ले। तो आप देख सकते हैं हार्बिंजर मींस मैसेंजर, हार्बिंजर मींस मैसेंजर, मैसेंजर, ठीक है। तो वर्ड को इसलिए बढ़ा दे देता हूं जिससे आपको वर्ड क्लियर हो जाए। देखिए ये वर्ड का डेफिनेशन भी है, हेरॉल्ड है, एक्यूरर है ना, मैसेंजर है, ओमेन है, साइन है, पोटेंट। फोर वर्ड सेंड करो बेटा आप लोग फटाफट, जल्दी जल्दी, तो सारे वर्ड्स तैयार होते चलेंगे। कम ऑन, जल्दी करिए भाई, आंसर दीजिए, आंसर, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। पढ़ाई करते रहो, लगातार चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं है किसी को भी। बहुत अच्छा ललिता, गुड जॉब। कान्हा मैसेंजर, आप सब लोग अच्छे हैं भाई, कुछ तो है ना, प्रसन्न है ना, तो प्रसन्न ज्यादा आप तब रहेंगे पढ़ाई के प्रति जुनून पैदा करेंगे, पढ़ाई के प्रति भूख पैदा करेंगे, तब जाकर के आप आगे जाएंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, अरे अब गुड जॉब। देख सकते हैं है ना, अभी नवरात्र आ रहा है तो इंडोलेंस मींस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोलेंस, इंडोलेंस का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता दो भाई फटाफट, आंसर दे दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोलेंस, जल्दी बताइए, इंडोलेंस मींस क्या होता है। इंडोलेंस मींस होता है लेजीनेस होता है, सुस्तता होता है, सुस्तता, लेजीनेस, सुस्तता होता है, लेजीनेस होता है ना। इंडोलेंस मींस होता है लेजीनेस, लेजीनेस, सुस्तता होती है। देख सकते हैं कि इंडोलेंस का पूरा बेहतरीन आपको डेफिनेशन में दे रहा हूं। देखिए क्या है, लेजीनेस, इंडोल, है ना, इडलनेस, स्लॉथ, लेथार्जी, स्लगिशनेस, है ना, और इन एक्टिविटी, अपैथी, लैंगूर, स्लॉथफुलनेस, इतने वर्ड होते हैं। जल्दी जल्दी सेंड कर दीजिए तो फिर मैं भी खुश हो जाऊं थोड़ा सा। सारे बच्चे आंसर दो बेटे, मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं आपके। कम ऑन एवरीबॉडी, हरी अप, जल्दी करिए। बहुत अच्छा प्रज्ञा मालव, ललिता नागर, बहुत अच्छा, है ना, शामीना, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो देख सकते हैं ये भाई साहब क्या है, एकदम सुस्त पड़े हुए हैं, लेजीनेस, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, आप देखिए अभी पढ़ने वाले बहुत लेजी है, पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाएगी, अरे बंद करो चलो बाद में पढ़ते हैं ना, ऐसे ही बच्चे होते हैं, उनको नींद आने लगती है। जिसके अंदर जोश होगा ना, संघर्ष की क्षमता होगी ना, वही आगे जाएगा। पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, जब पूरी दुनिया सोती रहती तो पढ़ने वाले लड़के क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो अपने सबसे महत्वपूर्ण चीज का त्याग करते हैं। गुड प्रज्ञा, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, गुड जॉब। वीरेंद्र मीना, गुड जॉब। चलिए देखते हैं अगला वर्ड है एक्सेंचुएटेड। एक्सेंचुएटेड मीन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेंचुएटेड, कोई बताया बच्चा, तब मैं आगे बढ़ू। एक्सेंचुएटेड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेंचुएटेड, एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है, तो मिटिगेट होता है, मिटिगेट करना होता है, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना होता है, कम करना होता है, कम करना, मिटिगेट का मतलब कम करना होता है, एक्सेंचुएट। एम्फेसाइज्ड क्या होता है, एम्फेसाइज होता है, एक्सेंटेड होता है, स्प्रेस्ड होता है, अंडरलाइंड होता है, हाइलाइटेड होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। कम ऑन जल्दी करिए आंसर दीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड प्रज्ञा मालव, ललिता नागर, बच्चे जोश अपने अंदर लाओ पढ़ाई के लिए, है ना, जब तक इंटरेस्ट नहीं लाओगे ना तब तक चीजें आएंगी नहीं। कम ऑन करण देव कुमार, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी बच्चे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगला वर्ड है बेटा डिसरप्ट।
डिसरप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? कम ऑन, डिसरप्ट का मतलब क्या होगा? डिसरप्ट का मतलब क्या हो जाए भाई? सिंपली सी बात है, बताओ बेटा फटाफट, डिसरप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? डिसरप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेक करना होता है, ब्रेक माने जानते ही हैं आप, तोड़ना होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक तो बी आर ए के ब्रेक माने तोड़ना होता है, एक होता है आर ए के ई ब्रेक, कहते ना मेरा ब्रेक खराब हो गया है, और ये ब्रेक माने रोक तोड़ना होता है। तो ब्रेक के बहुत सारे मीनिंग है, ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है आप देख सकते हैं दिया हुआ है, है ना। इंटरप्ट होता है एक्टिविटी, है ना, बाय कॉजिंग अ डिस्टरबेंस, कोई चीज भाई ब्रेक करना, जैसे आप कभी कभी क्या होता है, यू आर गोइंग टू ब्रेक द रिलेशन विद समवन, किसी के साथ आप रिश्ते तोड़ते हैं, ये ब्रेक कहते हैं, है ना। बहुत सारी बातें होती हैं ब्रेक करने की, ठीक है। विकास दारा कोई, गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है। ललिता नागर, ब्रेक। अगला वर्ड है सिंपेटस। सिंपेटस का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपेटस? सिंपेटस का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों। अरे गलत सही, एक बार गलत तो मुझे बताओ ना, गलत होगा फिर सही होगा, डोंट वरी। तो होगा लैविश होगा, और लैविश का मतलब क्या होता है बच्चों? लैविश का मतलब होता है सिंपेटस, लैविश का मतलब होता है लग्जूरियस होता है भैया, कोई भोजन वगैरह स्वादिष्ट होना, एक्स्ट्रा वेगेंजा होना, अति स्वादिष्ट होना, आप देख सकते हैं। सिंपेटस मीन्स कीमती भी होता है, ठीक है, आलिशान होता है, बहुमूल्य होता है, सिंपेटस का मतलब आलिशान होता है। तो देख सकते हैं कुछ लोग आलिशान भोजन भी करते हैं, आप देखिए ये आलिशान भोजन की एक तस्वीर है, तो लोग ना खाए हो लोग खा ले हैं कि नहीं, सारे आइटम है, कोई आइटम कम हो तो बता देना उसे ऐड हो जाएगा। अच्छा ये पूरा का पूरा खाना अगर किसी को मिल जाए तो इसमें कौन बहादुर है जो पूरा खा लेगा? एक तरफ का कोई भी, हमारे पांडे साहब कह रहे हैं सर अगर मिल जाएगा तो, है ना, तो छोड़ूंगा नहीं, वैसे हर आइटम बड़ा अच्छा है, कोई आइटम्स ठीक से ना दिख रहा हो तो मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूं। देखो भाई, अरे कट जा रहा है आइटम, कटना नहीं चाहिए आइटम, क्यों कटे भाई, राय सर कट जाए वो ठीक है, आइटम नहीं कटना चाहिए। इसमें बताओ भाई, प्रज्ञा, ईशा, मीना, ललिता नगर, सारे आइटम खा लोगे? कौन कौन खा लेगा बोलो, जल्दी करो ब्रेक। कितने लोग हैं ये सारे आइटम डाइजेस्ट कर जाएंगे? कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, लेकिन यार बहुत ज्यादा आइटम है तो वाओ फैंटास्टिक, ओ माय गॉड, अजीबो गरीब आइटम है, कौन सा खाया जाए कौन सा छोड़ा जाए। गुड लैविश, नो सर, ललिता नगर कह रही हम सर पूरा नहीं खा पाएंगे, फिर भी क्या क्या खाना चाहोगे इसमें से बताओ, जल्दी करो। गुड गुड, अमर, जय भीम सर, प्रज्ञा मालो, खा लिया सर खाना हमने तो, प्रज्ञा मालो कह रहे हैं हमें तो झमझम झमझम खा के आई हूँ सर, बैठी हूँ। अरे खाने के बाद भी खा लेंगे बहुत सर, हाँ सर लिया सर जी। सरिता मीना, बहुत अच्छा, चौधरी चौधरी, गुड, जय भीम, बहुत अच्छा, वो खा लेंगे। खैर बच्चे बड़े हमारे मेहनती हैं और हर काम मेहनत करते हैं, वैसे खाने और सोने में कुछ ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोग। लैटेंट मतलब क्या होगा? ईशा मीना ने खा लिया, ओके सर, ईशु को आने दो सब, वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, नाइस सर। तो लैटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? लैटेंट का मतलब होता है कंसील होता है, छुपाना होता है, छुपाना, कोई चीज छुपाते हो तो उसे कहते हैं, है ना, लैटेंट छुपाना होता है, कंसील करना होता है, गुप्त तो होता है। देखो वर्ड है ना बेटा, क्या लिखा है, वर्ड है तो सीक्रेट है, क्लैंडेस्टाइन है, कॉन्फिडेंशियल है, अल्टेरियर है, पोटरी है, लैटेंट है, इतने वर्ड है, सोचो आप, जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चों। देख सकते हैं अप्रकट अव्यक्त, न्यूमिनस मीन्स क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमिनस?
ह्यूमनस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए, ह्यूमनस का मतलब क्या होता है? क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा, कम ऑन। अंजू कह रहे हेलो सर, यस बच्चे बोलो, गुड। सरिता मीना लैटेंट, बहुत अच्छा बेटा। पूनम त्रिपाठी, अच्छा प्रयास है। सारे लोग लगातार लगे रहो क्लास के लिए, है ना, कभी भी क्लासेस मिस मत किया करिए। देखिए मैं 7-8 महीने से लगातार पढ़ा रहा हूँ, कोई क्लास मिस किया मैंने नहीं किया, फिर आप क्यों करोगे बताओ जल्दी जल्दी, है ना। वॉट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमनस? ऑफुल हो जाएगा, डरावना हो जाएगा, डरावना। इसमें कितने लोग डरते हैं बता दो जल्दी जल्दी। निशा आप डरते हो किसी से? नहीं। सरिता आप डरते हो? ललित नागर आप डरते हो? तो डर गया वो, घर गया, ठीक है। देख सकते हैं ऑफुल न्यूमनस, ऑफुल ऑफुल न्यूमनस देख सकते हैं। अ पावरफुल फीलिंग होता है, न्यूमनस का मतलब क्या होता है? अ पावरफुल फीलिंग ऑफ बोथ फियर एंड फैसिनेशन ऑफ द बीइंग और एंड ओवरवेलम्ड बाय व्हाट इज बिफोर यू। न्यूमनस मतलब होता है ऑफुल हो जाना, किसी चीज को देख के डर जाना, किसी चीज को देख करके प्रसन्न तो हो जाना लेकिन डर जाना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बहुत बुरी तरीके से खाई में बस गिर जाए तो दुख भी होगा और खुशी भी, वाओ फैंटास्टिक था, बहुत अच्छा था ना, ऐसे भी लोग करते हैं, दुनिया है ना, तो सब आनंद उठाती है। कम ऑन सभी लोग आंसर दो बच्चों। ह्यूमनस की ये भी एक डेफिनेशन है, इसको भी देख लीजिए आप लोग, बहुत प्यारा डेफिनेशन है ये भी। डिस्क्राइबिंग एन एक्सपीरियंस दैट मेक्स यू फियरफुल, है ना। अगला क्वेश्चन है स्टूपिड, हाउ स्टूपिड यू आर, डोंट बी स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब क्या होगा जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग फॉर आंसर, जल्दी करिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर आंसर प्लीज एंड प्लीज। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, गुड गुड, बहुत अच्छा प्रयास, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर दो बेटे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टूपिड का मतलब क्या होता है बच्चा बताएं? खाना शर्मा, पूनम त्रिपाठी, शुरू करो भाई, पावरफुल फीलिंग, बहुत अच्छे बच्चे। डरते हैं सर मम्मी पापा से, बहुत अच्छी बात है, मम्मी पापा से डरना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा, काना काना शर्मा कह रहे मॉम डैड से डरते हैं, डरना चाहिए भाई। तो स्टूपिड का मतलब होता है सिली होता है, हिंदी में होता है मूर्ख, है ना। मैंने कहा हे हाउ स्टूपिड यू आर, How stupid you are! आप कितने बड़े मूर्ख हैं। How stupid I am! Don't you think? Don't you feel? Yes, I feel so. देख सकते हैं stupid के बहुत सारे meaning हैं। आप देख लो ना, बहुत सारे stupid के meaning हैं। Stupid, silly, unwise, dumb, senseless, बहुत सारे word हैं, ठीक है। Come on. बहुत अच्छा, वेरी गुड। काना शर्मा मॉम डैड से डरते हैं, बहुत अच्छा, डरना भी चाहिए। सभी लोग आंसर दो बेटे, आई एम वेटिंग योर आंसर, कम ऑन जल्दी करिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। गुड जॉब, गुड जॉब, बहुत अच्छा, सभी लोग उत्तर दीजिए, आई एम वेटिंग योर आंसर। गुड गुड,
बहुत अच्छा, काना प्रज्ञा मालो ठीक ठाक, आप देख सकते हैं नाउ दिस गर्ल इज नाउ व्हाट इज सी सैड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिकोलिक, बिकोलिक का मतलब क्या होगा बताओ बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिकोलिक, बिकोलिक का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए, बिकोलिक का मतलब होता है रस्टिक होता है, कवारू होता है, कवार या गवार बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ग्राम में जो होता है, जो गांव के लोग कुछ अनपढ़ होते हैं, कुछ की बात कर रहा हूं मैं, सबकी नहीं, को भी लोग गवार कहते हैं, को भी बिकोलिक कहते हैं, को रस्टिक कहते हैं, पराचियल कहते हैं, है ना, जो एकदम इलिटरेट होते हैं। अब खैर बहुत ज्यादा लोग पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए हैं गांव में भी, लेकिन ये है कि जो रस्टिक होता है पहले वर्ड इसी के लिए बना था, फिर धीरे धीरे वो चीजें चेंज हो गई, ठीक है। फटाफट आंसर दो बच्चों, वाई मीन्स क्या होता है, कम ऑन, आई वाई मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई, कम ऑन एवरीबॉडी बताओ बेटे क्या होगा, फटाफट आंसर बच्चों, गुड गुड, प्रज्ञा मालो, पीयूष सैनी, सरिता मीना, बहुत अच्छा प्रयास है ना, रूलर, तो कंपटीट होता है, वाई मीन्स होता है कंपटीट होता है ना, प्रतियोगिता होता है, अगर इतना प्रतिभागिता कह लीजिए आप, प्रतिभागिता हो जाएगा, है ना, देख सकते हैं स्पर्धा करना, देखिए हिंदी एग्जैक्ट मिल गई मुझे, स्पर्धा करना, देखिए मिल गया ना, दे व्यूड विद ऑन अनदर टू विन द कॉम्पिटिशन, स्पर्धा करना, ठीक है, बहुत अच्छा, सारे बच्चों का जवाब बहुत ही खूबसूरत जवाब है, बहुत ही सुंदर जवाब है आप लोगों का, आई अप्रिशिएट योर, कम ऑन, देख सकते हैं इनको आपस में हमेशा प्रतिस्पर्धा होता रहता है, ठीक है। अगला वर्ड है बेटा जेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता दे जेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो जेनेसिस का मतलब होता है बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। देखिए इसका डेफिनेशन भी बहुत प्यारा सा है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डेफिनेशन मैंने लिखा है, तो जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इंग्लिश द ओरिजिन मॉडल फ्रॉम फॉर्मेशन होता है, पार की उत्पत्ति होता है, जल्दी सेंड करो बेटा फटाफट आंसर, सभी लोग आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग योर आंसर, कम ऑन एवरीबॉडी, हरी अप, बहुत अच्छा, गो ऑन गो ऑन गो ऑन, Come on. अगला वर्ड है बेटा एज, एच ई टी जी ई, एज मीन्स क्या होता है जल्दी बताइए, एच ई टी जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज, एच ई डी, एज मीन्स क्या होता है, एज मीन्स होता है एवेड होता है, बचाना होता है, और जैसे बहुत लोग क्या होता है, बाउंडेज होता है, बाउंड्री होता है, कि हेज है, पैडॉक है ना, स्टॉकेड है, फोल्ड है, कैटल पेन है, ये सारी चीज होता है, मतलब जो सुरक्षा के दृष्टि से बनाया जाता है, गरीब लोग बाड़ा बनाते हैं, धनी लोग बड़े बड़े फूल भगवान लगा करके उसको बड़ा करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ एक इमेज के माध्यम से, देख रहे हैं आप, ऐसे लोग भी बड़े सुंदर सुंदर इमेजेज के माध्यम से ना, वो बहुत सुंदर और बहुत प्यारा सा वो बनाते हैं, एज बनाते हैं, ठीक है, कम ऑन एवरीबॉडी, अरे अब
हरी अप। जल्दी करिए। आई एम वेटिंग योर आंसर प्लीज एंड प्लीज। बहुत अच्छा, सभी बच्चे आंसर दें। चलिए अगला वर्ड है वैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैन? वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब क्या होता है बेटा, बता दो फटाफट आंसर। वैन, कौन बच्चा बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैन? वैन का मतलब होता है टायर्ड, होता है थका होना। वैन का मतलब होता है टायर्ड, एकदम थका होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेन्यूअस? इंजेन्यूअस का मतलब क्या होता है? कम ऑन, बताओ प्रज्ञा, जल्दी बताओ। लिता नागर, निशा मीना, बताओ बच्चों फटाफट आंसर दो। आई एम वेटिंग योर आंसर, प्लीज गिव मी योर आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पूर्णम त्रिपाठी, यूसैनी, निशा मीना, है ना, बहुत अच्छा सारे बच्चे, बहुत अच्छा। तो इंजीनियर्स मतलब होता है क्लेवर, होता है चालाक, होता है चालाक, देख सकते हैं क्लेवर, इंजीनियर्स क्लेवर, देख सकते हैं चालाक क्या होता है, स्किलफुल होता है, क्लेवर होता है। आंसर सेंड करो बच्चों, आंसर सेंड करो, है ना। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से पढ़ाई करो, अगर लाइफ में कहीं आगे जाना है तो। एक कम ऑन, जल्दी जल्दी आंसर दो बेटा, मैं आंसर वेट कर रहा हूं आप लोगों का। अरे अब गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रज्ञा मालव, ललिता नागर, बैंक गोस्वामी, सारे बच्चों का आंसर बहुत प्यारा है। अगला वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस। What is the meaning of consequences? Consequences का मतलब क्या होगा, बताओ बच्चों। Consequences का मतलब होता है result, होता है क्या होता है result, है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा ही परिणाम होगा, तो result आप देख सकते हैं। लाइफ में अच्छा काम करेंगे तो अच्छा result आएगा, और खराब result, outcome, consequences, आउटग्रोथ, इफेक्ट, इक्वल, इस तरीके से। कम ऑन, जल्दी करिए। इरोटिक मींस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरोटिक? इरोटिक का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा जानता हो बताए इसमें? What is the meaning of erotic? Erotic का मतलब होता है sexual, होता है erotic का मतलब होता है sexual, होता है ठीक है। तो देख सकते हैं erotic के बहुत सारे मीनिंग है, erotic, sensual, sensuousness, है ना, carnal, lecture, sexy, ये सब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके, ठीक है। फटाफट आंसर देना बेटा, गुड। आप देख सकते हैं कामुक इमेज भी एक है। अगला वर्ड है क्रूएल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूएल? क्रूएल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूएल? गुड गुड जॉब, बट बहुत अच्छा आंसर है सभी का, ठीक है। तो क्रूएल मतलब होता है मर्सीलेस, है ना, दयाहीन, दयाहीन होता है,
निर्दयी होता है, निर्दयी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉज? डॉज का क्या मतलब होता है? कोड है जी, डॉज का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ बच्चों, क्या होगा डॉज? अवॉइड होगा, अवॉइड कर देना, डॉज कर देना, भाग निकलना। देख रहे हैं डॉज, वैक्स। देखिए इसके चार मीनिंग है, फटाक से सेंड करिए आप लोग। आई एम वेटिंग योर आंसर। डॉज, वैक्स, अल्यूजन, शिफ्ट। डॉज का मतलब होता है बिना नोटिस करके भाग लेना, निकल लेना, हम लोग डॉज कहते थे ना। आप देखते होंगे साउथ इंडियन मूवीज में ऐसे ही सीन्स आते हैं हमेशा, है ना। इस प्रकार से ढेर सारी कारें आती रहेंगी और डॉज करके इधर उधर करके निकल जाती हैं। कम ऑन, बहुत अच्छा। अगला वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है? कर दे रहा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब हो जाता है कंफ्यूजिंग हो जाता है, कंफ्यूज। देख सकते हैं गूढ़, जैसे आप देख सकते हैं एक छोटा सा जानवर इतने बड़े जानवर को भगा रहा है। देखिए एक छोटा सा जानवर है और बहुत तेजी से भगा रहा है, देख रहे हैं आप। कम ऑन, कम ऑन, जल्दी करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्ट्रेप्रस? ऑब्स्ट्रेप्रस मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रेप्रस मतलब होता है नॉइजी होता है, शोरगुल कर, शोरगुल, नॉइजी। देख सकते हैं ना एक छोटा सा बच्चा कितना नॉइजी दिख रहा है ना, है ना। देखते हैं बेचारा कितना नॉइजी दिख रहा है, देख सकते हैं। उत्पाती होता है, उपद्रवी होता है, नॉइजी होता है, शरारती होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। निशा फटाफट आंसर दो बच्चों, इसमें शरारती कितने बच्चे हैं जो हमेशा परेशान करते रहते हैं मम्मी पापा को अपने, या पड़ोसी अड़ोसी को, तो शरारती हैं इसमें। प्रज्ञा आप हो? अरे इसमें तो सब बच्चे बड़े मेहनती दिख रहे हैं, कोई नहीं शरारती है इसमें। आप देखिए जानवर कैसा लग रहा है, नॉइजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ओह माय गॉड, और वेरी डरावना फिगर इट इज। देख सकते हैं आप, एंकर है एकदम से, है ना, डरावना है। चिमेरिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिमेरिकल? क्या होता है, क्या होगा भाई चिमेरिकल? चिमेरिकल मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक होता है। कहते ना कुछ लोगों की लाइफ बड़ी काल्पनिक होती है। अब आप बताइए कि अब इनके साथ बाइक पर करीना कपूर बैठ के चलिए चले, कल्पना करते हैं। जैसे आजकल बच्चे जब बाइक चलाते हैं तो कल्पना करते हैं मेरी बाइक के पीछे शिल्पा शेट्टी बैठ जाए तो मेरा बाइक लेने का पूरा उद्देश्य पूरा हो जाए, है ना। ये कल्पना होता है, चिमेरिकल कल्पना होता है। आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड्स है। नेक्स्ट वर्ड है, देख सकते हैं चिमेरिकल, कल्पना, क्रिएटेड एज ए बॉय विल्डली फैंसीफुल इमेजिनेशन, कल्पनाओं में डूबने को कहते हैं चिमेरिकल, कहते हैं कल्पनाओं में। नेक्स्ट वर्ड है कोनंड्रम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोनंड्रम? क्या होता है? तो कोनंड्रम मतलब होता है क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, प्रश्न करना होता है, क्वेश्चन करना होता है। आप देख सकते हैं पजल है, रिडल है, कोनंड्रम है, एनिग्मा है, इतने वर्ड हैं। आप लोग फटाफट सेंड करिए जल्दी से। आज देख सकते हैं क्वेश्चन है, लास्ट वर्ड है इर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इर्क? इर्क का क्या मतलब होता है? इर्क का मतलब होता है किसी को एनॉय करना,
चिढ़ाना होता है, किसी को परेशान करना है। लेकिन मैडम कह रही मेरे अपने पुराने बॉयफ्रेंड का मैसेज देख के मुझे चिढ़ होती है, ठीक है प्रकार से। बच्चे आज मैंने आपको मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को मैंने डिस्कस किया। बच्चे जितना भी मुझसे बन पाता है मैं आपसे बार बार कहता हूँ, एक मामूली से टीचर का एक मामूली सा प्रयास है, कोशिश करता हूँ कि आपको वर्ड ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ये बात भी कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिए, हम जरूर से जरूर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कोई सलाह कोई मन में बात आती है तो आप हमें रोज बताएं, हमारे में कोई कमी नजर आती है तो हमें आप जरूर बताएं। इससे मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा, बड़ा आभारी रहूंगा कि आपने मुझे तो बढ़िया बनाने के लिए आपने एक छोटा सा कदम रखा, एक प्रयास किया। तो गाइस ठीक है, बच्चे क्लास कैसा लगा आज का मैं जानना चाहूंगा। जो बच्चे हमारे नए होंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो सरिता मीना कह रही बाय सर, ठीक है। कोई सुझाव कोई सलाह अगर है तो आप जरूर हमें बताएं, और कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर बताएं, वो भी नहीं अच्छा लगा है तो भी बताएं। स्पीड सही है नहीं सही है ये बातें भी आप हमें जरूर बताएं, हमें पता तो चले कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ। सरिता मीना है ना, ठीक है बहुत अच्छा। ललिता नागर, अंजू हिंदी क्लास कितने बजे है? अभी बताया जाएगा बेटा, अभी लगा नहीं है, लगेगा तो पता चल जाएगा। प्रज्ञा मालो कह रहे हैं गुड क्लास सर, थैंक यू सो मच। और कुछ बच्चों का कोई सलाह है तो जरूर बताएं। बेटा आज के लिए बस इतना ही, और आप सब लोग अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे से रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।